आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कॉलेज में कदम रखा कि कुछ सीनियर लड़के मुझे घेर लिया। कहा, नई लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? मैं घबराती हुई कही, अंजलि। उसने कहा, तुम्हारे होंठ बहुत खूबसूरत है, आज पहला दिन है, चलो यहाँ किसी को भी किस कर लो, फिर तुम्हारी छुट्टी। डर के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया था। इन सीनियर लड़कों ने हम जूनियर लोगों को घेर लिया था। सारी लड़कियाँ डरी हुई थी, यहाँ के लड़के भी गुस्से में थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे और मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने कहा, रैगिंग करना तो अलाउड नहीं है, मैं कंप्लेंट कर दूंगी। इस पर एक सीनियर लड़का बेहद गुस्सा हो गया, कहने लगा, तुम हमारे खिलाफ कंप्लेंट करोगी? तभी वहां एक जूनियर लड़के की ओर इशारा किया, कहा, इधर आओ और इसे किस करो। मैं बेहद घबरा गई, उस लड़के की तरफ देखा। लड़का बेहद ही लंबा था, गोरा था और काफी अच्छी बॉडी बना रखी थी। मैंने सोचा सीनियर से लड़ेगा, पर वह चुपचाप खड़ा रहा। कहा, सर, ऐसे किसी लड़की को मैं कैसे किस कर सकता हूँ, उसकी मर्जी भी तो शामिल होनी चाहिए। अब सीनियर लड़के मेरी ओर देखने लगे। मैं समझ चुकी थी मेरे पास बचने का कोई उपाय नहीं था। मैं उस लड़के के करीब आई, वह सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने हल्का सा उसके होंठों को छुआ और कहा, इससे अधिक नहीं कर पाऊंगी। सारे सीनियर हंसने लगे। कहा, बहुत है, अब जाओ यहाँ से। मैं किसी तरीके से अपनी क्लास में आ गई थी। मेरी जान तब निकल गई जब वह लड़का भी मेरे क्लासरूम में आ गया। शिट, यह मेरे साथ पढ़ता है, मैं अभी अभी इसे किस किया। मेरा दिल बेहद तेजी से धड़क रहा था। वह एक बार मेरी ओर देखा और गुस्से से फिर चेहरा घुमा लिया, जिसे देखकर मेरा दिल कांप उठा। मुझे लगा मुझे इससे बात करनी चाहिए। क्लास के बाद मैं उसके पास गई, कहा, आई एम सो सॉरी। सीनियर को देखकर मैं डर गई थी, पर उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, कहा, ठीक है, जाओ। एक पल के लिए लगा यह लड़का इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, पर कुछ ही दिन में मुझे समझ में आ गया था, क्लास के बैड बॉय था और लड़कियां उसके हुस्न पर मरती थी। अपने क्लास को छोड़कर भी दूसरे क्लास की लड़कियां उसके पास आ जाती थी। क्लास के फुटबॉल टीम का प्लेयर था, एक नज़र भर देखने के लिए लड़कियां खड़ी रहती थी और उसकी नज़र थी सोनिया पर, जो कि हमारे क्लास की थी और फुटबॉल टीम की चीयर लीडर थी। बहुत ही कमाल की दिखने में थी, मिनी स्कर्ट पहन के क्लास में आती थी। ऐसी लड़की थी जिसे देखकर कोई भी लड़का दीवाना हो जाए, लेकिन राहुल ने उस पर कब्जा बना लिया था। आते जाते जब भी मेरी नजरें राहुल से मिलती, वह काफी गुस्से से घूरता था। मुझे समझ नहीं आता था इस लड़के का इतना एटीट्यूड क्यों है, इसलिए मैं भी उसे कभी बात नहीं करती थी। करीब 1.5 साल तो सब ठीक चला, मैंने काफी दोस्त बना लिए थे, बस एक वही था राहुल, जो मुझसे कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, हमेशा चिरा रहता था। मेरी सहेलियां कहती, तुम देखने में खूबसूरत नहीं हो, इसलिए वह तुम्हें भाव नहीं देता। क्लास खत्म हो जाने के बाद मैं अपने लॉकर से किताबें निकाल रही थी, तभी मेरी नजरें शीशे पर पड़ी। मैं अपने आप को देखने लगी, क्या मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ कि राहुल मुझसे इतनी नफरत करता है? अचानक मुझे लॉबी में राहुल नजर आया, आज वह अकेला ही था। लॉबी में खड़ी लड़कियां और लड़के उसे देख रहे थे, कोई उसे फ्लाइंग किस दे रहा था। वह मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ रहा था, मेरा दिल मानो मुंह से बाहर निकल आए। मेरे सामने आकर वह भी लॉकर से कुछ निकाल रहा था। उसने एक झलक मुझे देखा, फिर नजरें घुमा ली। मैं उसके पास आई, कहा, राहुल, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ इस वजह से? उसने मेरी ओर देखा, कहा, तुम मुझसे दूर रहो। इतना रूडली कहा कि मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, पर मैं उसे दिखाना नहीं चाहती थी। मैं मुड़ गई, इससे पहले कि आंसू की बूंद नीचे टपक जाए, मैं उसे पूंछ कर हटा देना चाहती थी। उसकी तरफ देखे बिना मैं वहां से निकल गई, पर घर आकर मैं बेहद उदास थी, मुझे रोने का मन कर रहा था। मुझे ऐसा इंसल्ट बिल्कुल पसंद नहीं, मैं हमेशा ही चाहती थी लड़के मुझ पर अटेंशन दे, खासकर राहुल जैसा हैंडसम लड़का, पर कोई मर्द मुझे देखता ही नहीं था। मैं अपने आप को देखने लगी, सोचने लगी, क्या कमी है मुझ में? मैं कॉलेज में ज्यादातर जींस टॉप पहनकर जाती थी, मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहनना अच्छा नहीं लगता था। क्या राहुल का अटेंशन पाने के लिए मुझे ऐसा करना होगा? पर मेरा दिल नहीं मानता, जाने क्यों मैं हर वक्त राहुल के बारे में सोचती रहती थी। मेरी माँ मेरे पास आ गई, कहने लगी, बेटा, दादी आने वाली है आज। यह सुनकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। शाम को मेरी दादी आ गई, वह गांव में रहती हैं मेरे चाचा के साथ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि दादी के साथ मेरे ऊपर मुसीबत भी आने वाली है। आते ही मेरे मम्मी पापा से कहने लगी, अंजलि, अब बड़ी हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम लोग इसकी शादी करवा दो। मैं
मैंने कहा, दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, मैं शादी नहीं कर सकती अभी, मेरी पढ़ाई को 1.5 साल बचे हुए हैं, उसके बाद मैं नौकरी करूंगी। मेरी दादी कहने लगी, लड़की जवान हो गई है, कल कुछ ऊंच नीच हो जाए तो क्या होगा, मुझे लगता है अभी इसकी शादी करवा देनी चाहिए, 19 साल की हो चुकी है, मैं तो जब 16 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। मेरी माँ कहने लगी, माँ यह तो अभी पढ़ाई कर रही है, बीच में पढ़ाई छूट जाएगी। मेरी दादी ने कहा, वो बाद में देखा जाएगा, पहले मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ, लड़का ढूंढने में टाइम लगता है, कभी लड़का को यह पसंद ना आए, कभी इसे लड़का पसंद ना आए, 1 साल तो ऐसे ही लग जाएगा, अभी से रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। हमारी जान पहचान में एक लड़का है, आर्मी में काम करता है, सरकारी नौकरी है, बात चला कर देखते हैं। पापा ने कहा, ठीक है माँ जैसा चाहती है वैसा ही होगा, हमारे घर पर बड़ों की ही चलती है, मैं जानती थी अब मेरी जिंदगी नरक बनने वाली है। तभी मुझे राहुल का ख्याल आया, पर मुझे उसका ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा, वह तो मुझे चाहता भी नहीं है, क्या मैं उसे चाहती हूँ वह भी पता नहीं, मैं तो बस उसका अटेंशन चाहती थी। 2 दिनों बाद संडे के दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे थे, मैं प्रार्थना कर रही थी कि लड़का शादी के लिए मना कर दे, लड़के वाले देखने आ गए थे। मेरी माँ ने मुझे चाय की ट्रे पकड़ा दिया, कहा जाकर उन्हें चाय दो, ट्रे हाथ में लेकर मुझे रोने का मन कर रहा था, क्या सपने देखे थे और क्या होने जा रहा था। मैं मेहमानों को चाय देने लगी, अब तक मैं न ही अपने पति को देखा था न ही ससुराल वालों को, मेरी नजरें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने नजर उठाई मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे होने वाली सास, पति और मेरा देवर आया था। शिट, राहुल, कभी सोचा नहीं था राहुल के भाई के साथ मेरा रिश्ता तय हो रहा है। उससे नजरें मिलते ही मेरा चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया, राहुल मुझे काफी गुस्से से देख रहा था, जो लुक हमेशा मुझे देता है। मेरी माँ ने मुझे वहीं बैठने को कहा, थोड़ी देर उन लोगों ने मुझसे सवाल पर सवाल पूछे और फिर खाना पीना खाकर वहाँ से चले गए। मैं अपने कमरे में आ गई थी, बेहद परेशान थी, मेरे साथ क्या होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करने लगी, यह रिश्ता मेरा होने वाला पति ठुकरा दे। अगले दिन मैं कॉलेज आई तो राहुल मुझे वही गंदी लुक देने लगा था। आज के बाद मैं बाहर निकली थी, पीछे से आवाज आई, रुको अंजलि। मैं वहीं रुक गई, सामने आकर राहुल खड़ा हो गया, कहा तुमसे बात करनी है। उसने अपनी आंखें छोटी छोटी कर ली थी, गुस्से से मुझे ऐसे देख रहा था, मैं बेहद घबरा गई। वह मुझे अकेले लेकर आ गया, कहा बैठो। मैं चुपचाप बैठ गई। उसने कहा, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता था लड़कों के लिए मरी जा रही हो। जब उसकी बात मेरे समझ में आई, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, यह क्या कह रहे हो तुम। उसने कहा, मुझे लगा था तुम एक पढ़ाकू लड़की हो। मैंने कहा, हाँ मैं हूँ। उसने चिढ़ कर पूछा, तो फिर लड़कों के साथ सोने के लिए क्यों मर रही हो। मैंने हैरानी से पूछा, राहुल तुम बेहूदी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ। उसने कहा, यह शादी का क्या चक्कर है, मुझे लगा था पढ़ लिख कर तुम कुछ बनोगी और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचोगी। मैंने कहा, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है, मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डाला, मैं तो यही प्रार्थना कर रही हूँ तुम्हारा भाई मुझे इनकार कर दे। उसके चेहरे में बेहद गुस्सा था, उसने अपना सर जोर जोर से हिलाने लगा, कहा नहीं वह ना नहीं करेगा, उसे तुम पसंद हो, तुम्हें ही ना करनी होगी। मैंने कहा, तुम अपने भाई को समझा सकते हो कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, आगे पढ़ना चाहती हूँ, मेरे क्लासमेट होने के नाते तुमसे इतना तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना राहुल। उसने कहा, तुम आज घर जाकर कोशिश करोगी, कहकर उठकर मेरे सामने से चला गया। मैं सोचने लगी, मेरी शादी से इसे क्या प्रॉब्लम है, कहीं इसलिए तो नहीं, यह नहीं चाहता इसकी किसी क्लासमेट से उसके भाई की शादी हो। जब मैं घर आई, मेरी माँ मिठाई लिए खड़ी थी। मैंने गुस्से से माँ को देखते हुए पूछा, माँ यह मिठाई क्यों। उसने कहा, संदीप ने शादी के लिए हाँ कर दी है। मैंने कहा, पर माँ मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, संदीप आर्मी में है, दूर शहर में रहता है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, हम दोनों शादी के बाद साथ रह नहीं पाएंगे। माँ ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, कम से कम तुझे बच्चा होने का डर नहीं, आराम से 1.5 साल अपनी पढ़ाई कर पाएगी और पति नहीं रहेगा तो पहले जैसे ही रह सकती है। मैंने कहा, अगर वह नहीं माने तो मेरी कॉलेज बंद करवा दी तो मेरे सपनों का क्या होगा। माँ ने कहा, आज संदीप तुझसे मिलना चाहता है, वह बहुत ही कम छुट्टियां लेकर आया है, जो बात करनी है उससे कर ले, अगर तेरी हाँ है तो हम जल्द से जल्द तेरी शादी करवा देंगे। मैं अपनी माँ की तरफ देखती रह गई, वह कमरे से निकल कर चली गई। तभी मेरा भाई कमरे में आ गया, पूछा दीदी तुम हमें छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा, भाई मेरी शादी नहीं करना चाहती। मेरे भाई ने कहा, मुझे छोड़कर मत जाओ, माँ को ना कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए
रहे थे। आज कॉलेज से आकर बेहद थक गई थी। मैं लेटी हुई थी तभी मेरे मोबाइल में कॉल आई। मैंने देखा अननोन नंबर है। मैंने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो अंजलि, मैं संदीप बोल रहा हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिर यह मुझसे क्या चाहता है? मैंने कहा, बोल रही हूँ, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, मुझे तुम बेहद पसंद आ गई, तुम बेहद खूबसूरत हो अंजलि। उसकी बातें सुनकर शर्म से मेरे सर झुके थे। मैंने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो आपने एक बार ही देखा है। उसने कहा, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ ताकि शादी की बात आगे बढ़ा सकूँ। मैंने सोचा यही मौका है, मैं इसे इनकार कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे शाम को पार्क में बुलाया। मैं उस पार्क में पहुँच गई, सर झुकाए बैठी थी तभी वह मेरे पास आ गए। मुझसे कहने लगे, तुम बेहद खूबसूरत हो, पहली नज़र में भा गई हो। मैंने कहा, पर मेरे कुछ और ही सपने हैं, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप इनकार कर दे। उसने कहा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए इनकार कर दूँ? तुम अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखो, शादी के बाद तुम मेरी माँ और भाई के साथ रहो, वह भी इसी शहर में रहते हैं, मैं छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊँगा, जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तुम्हें अपने पास लेकर जाऊँगा, अपने साथ रख लूंगा, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई आपत्ति नहीं है अंजलि, कहकर उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके इस हरकत से मुझे बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, पर मैं आपसे प्यार नहीं करती। उसने पूछा, किसी और को चाहती हो? मैं इस बात का क्या जवाब देती? अब तक मेरा किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं था। राहुल मुझे पसंद तो था, पर यह प्यार है या सिर्फ मात्र आकर्षण, मुझे मालूम नहीं था। मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, शादी के बाद तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम पूरी मेरी दीवानी बन जाओगी, कहकर मेरी ओर देखने लगा कि मेरी सांस अटक गई। मैं उससे बचना चाहती थी। मैंने कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं चलती हूँ, कहकर मैं संदीप से अपना हाथ छुड़ा लिया। जल्दी जल्दी पैर चलाकर अपने घर की ओर जाने लगी। एक बार ही मुड़कर उसे नहीं देखा था। जैसे ही पार्क से निकली मैं एक भारी सीने से टकराई। मैंने कहा, आई एम सॉरी, कहकर जैसे ही मैंने उसे देखा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने राहुल खड़ा था, वह मेरी ओर देख रहा था, वह भी शॉक था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसके स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ने लगी। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। उसके साथ एक बड़े पेड़ के नीचे आ गई। मैंने कहा, तुम्हारा भाई मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे भाई को इनकार कर दिया था, कॉलेज का बहाना बनाया था, पर वह कह रहा है शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकती हो, मेरी माँ और भाई के साथ तुम रुक जाना। अब मैं क्या करूं? तुमने अपने भाई को समझाया क्यों नहीं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अभी मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोल कर कहा, वह नहीं मानेंगे, उन्हें तुम बेहद पसंद हो, जो करना होगा तुम्हें ही करना होगा। एक पल के लिए मैं इतनी डर गई कि मैं राहुल से लिपट गई। मैंने कहा, प्लीज मेरी मदद करो। उसने एक झटके से मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। वह वहां से सीधे चला गया, मैं वहीं पर खड़ी रह गई। अब मेरी किस्मत का फैसला मेरे परिवार वाले ही लिखने वाले थे। 10 दिनों के अंदर मेरी शादी हो गई। संदीप को मैं इतनी पसंद आ गई थी, बिन दहेज के एक कपड़े में मुझसे शादी करने को तैयार थे। मेरे घर वालों को तो ठीक से तैयारी करने का भी मौका नहीं मिला, पर जितना बन सका था मेरे पापा ने किया था। उसका कहना था कि इन्हीं छुट्टियों में मैं शादी करूंगा। मैं दुल्हन बनी उसके घर पर आ गई थी। आते ही मेरी नज़र पड़ी राहुल पर और मेरा दिल में एक दर्द सा उठने लगा था। आज मेरी सुहाग रात थी, मैं उससे प्यार नहीं करती जिससे मेरी शादी हुई, मेरे अरमानों की बलि चढ़ चुकी थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ, मुझे लगा संदीप होगा। मैंने कहा, अंदर आ जाओ, पर सामने संदीप नहीं बल्कि राहुल खड़ा था। मुझे कुछ सामान देने आया, कहा यह रख लो अंजलि, मैं तुम्हें भाभी नहीं बुला पाऊंगा। उसे सामने खड़ा देख मेरे आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ ज्यादा ही परेशान और गुस्सा दिख रहा था। कहने लगा, मेरे भाई के साथ मौज करो। सामान देकर जाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझसे पूछना चाहता है क्यों रोका मुझे। बिना कुछ सोचे समझे मैं राहुल से लिपट गई। कहा, मेरे दिल का हाल मैं ही जानती हूँ राहुल। उसने मुझे अपने आप से अलग करने की कोशिश नहीं की, अपने हाथ से मेरे बालों को सहलाता हुआ कहा, बेहद खूबसूरत लग रही हो तुम, कहकर अपने आप को मुझसे अलग किया जाने लगा। मैं फिर से उसका हाथ पकड़ा तो कहने लगा, जाने दो अंजलि मुझे, कहकर मेरी तरफ ऐसे देखा
एक पल के लिए मुझे उसकी आंखों में नजर आई हसरतें। मैं झट से उसके हाथों को छोड़ दिया। थोड़ी देर में मेरे पति कमरे के अंदर आ गए। मेरे पास आकर कहने लगे, और 15 दिन मेरी छुट्टी है और यह 15 दिन एक पल भी मैं गंवा नहीं सकता, कहकर मुझ पर टूट पड़ा। मेरी इच्छाएं जानने की कोशिश नहीं की, दिन रात मेरे साथ लगा रहा। शादी के करीब 7 दिन के बाद मैं कॉलेज गई, लेकिन अब मेरे दोस्त मुझे अलग नज़र से देखने लगे थे। कोई मुझे दया की दृष्टि से देखता तो कोई हंसकर मजाक उड़ाता। मैं ही अकेली थी जो शादीशुदा थी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन अब मुझे शर्म आने लगी थी। मेरे पीछे सब यही बातें बनाते थे। इसे ज्यादा गर्मी चढ़ गई थी। कॉलेज के लड़के इसे भाव नहीं देते, तभी शादी कर ली। किसी को एहसास नहीं था कि मेरे दिल में क्या बीती थी। मेरी पक्की सहेली निशा मुझसे पूछने लगी, तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? तुम्हारा तो पढ़ाई में इतना मन लगता है। मैंने कहा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। वह मुझे और मेरे पति के रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा, क्या बताऊं, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। उसने कहा, तुम अपने पति से प्यार नहीं करती। मैंने कहा, मेरे माँ बाप ने यह लड़का देखकर मुझे उससे बांध दिया। तुम ही बताओ, क्या इससे प्यार हो सकता है? निशा ने मुझे गले लगा लिया था। कहा, किसी और को चाहती हो क्या? पहला दिन जैसे तैसे बीता, लेकिन जैसे ही मैं घर आई मेरा पति फिर से लग जाता था। मैं थक कर चूर हो जाती थी, पर यह था, इसे थकावट होती ही नहीं थी। मुझे यह तक कह दिया था, जब तक मैं हूँ कॉलेज मत जाओ। मैंने कहा, जाना जरूरी है, कॉलेज नहीं जाऊंगी तो वह टाइम भी मेरे साथ लगा रहता। शादी के बाद से राहुल ने मुझे एक बार भी बात नहीं की थी। गुस्से में रहता था, मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। खाने के टेबल में सर झुकाकर खाता था। क्लास में भी मुझसे नजरें नहीं मिलाता था। कुछ दिन हुए थे कॉलेज जाते हुए, लड़कियों ने यह कहना शुरू कर दिया, राहुल अब तुम्हारा देवर बन गया है, वह इतना हैंडसम है, हमारी सेटिंग करवा दो। तो कोई मुझसे कहती, पति के साथ साथ राहुल पर भी चांस क्यों नहीं मारती? इतना हैंडसम जो है, तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक रात बिता लिया होता। यह सारी बातें मुझे परेशान करती थी। देखते देखते 15 दिन बीत गए। मेरे पति के जाने का दिन था। उनके जाने के बाद घर और ज्यादा सुना सुना लगने लगा। ऐसा लगता था अपनों के बीच में नहीं हूँ, परायों के बीच में आकर फंस गई हूँ। जाने क्यों, मेरा दिल बहुत उदास था। मैं राहुल का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही अंदर कमरे में झांका, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, ओह सो सॉरी, मैं गलत वक्त में आ गई थी। वह कुछ वीडियो चलाकर खुद में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद काफी गुस्से से मेरे कमरे में आया। कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यूं मेरे कमरे के अंदर कैसे चली आई? मैंने कहा, मैंने नॉक तो किया था। उसने कहा, पर मैं आने को नहीं कहा था। वह बहुत गुस्से में कह रहा था। मैं उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, राहुल तुम हर वक्त मुझसे इतने गुस्से से बात क्यों करते हो? आज तुम्हें बताना होगा, आखिर क्या परेशानी है तुम्हें मुझसे? एक पल के लिए वो मेरे करीब आया। अभी उसकी आंखों में गुस्सा था। वह देखकर मैं अपने कदम पीछे लेने लगी। वह आगे आता गया, मैं पीछे होती गई। तभी मैं दीवार से टकराई। अब वह मेरे बिल्कुल करीब चला आया। उसका जिस्म और मेरा जिस्म एक दूसरे से चिपक गए थे। उसने गुस्से से पूछा, भैया ने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया है? उसका सवाल सुनकर मैं शॉक्ड उसकी तरफ देखती रही। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। कहा, बताओ क्या भैया ने तुम्हारे जिस्म को छुआ है? मेरा गला सूखने लगा था। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। अगले पल उसके होंठ मेरे होंठों पर थे। वह मुझे चूमने लगा। मुझे उसके मुंह का स्वाद मिलने लगा था। उसने जोर से मुझे धक्का दिया और मेरा मुंह खुल गया और उसने अपना जीभ अंदर कर दिया। मेरी सांसें वहीं अटक गई। मैं कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं रह गई थी। मेरा जिस्म कमजोर और ढीली पड़ने लगी। जब वह सांस लेने के लिए पीछे हटा, मैंने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, राहुल यह क्या कर रहे हो? रिश्ते में मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अपनी आंखें बंद कर ली, जोर जोर से सांस लेने लगा, फिर कमरे के बाहर निकल कर चला गया और मैं वहीं पर खड़ी खड़ी कांपने लगी। मेरे दिल से आवाज निकली, मैं और चाहती हूँ, मैं राहुल को पूरी तरीके से चाहती हूँ। शिट, यह मुझे क्या हो रहा है, मुझे राहुल चाहिए। अगले ही पल मैं अपने कमरे से निकली, उसके कमरे में चली गई। मेरी सास पहले ही सो चुकी थी। जैसे उसे एहसास हुआ मैं कमरे में हूँ, उसने कहा, यहाँ क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ। मैं उसकी तरफ देख कर कही, राहुल। अगले ही पल
उसने दोबारा मुझे अपने करीब खींच लिया। मुझे बिस्तर में पटक कर मेरे जिस्म को चूमने लगा। उसने मेरी टॉप ऊपर खिसका दी और मेरे पेट को चूमने लगा। धीरे धीरे मेरे सीने की ओर आने लगा और अपना मुंह वहां डाल दिया। मुझे एहसास हो गया था वह एक्साइटेड है। वह कड़क हो चुका था और मैं पिघलने लगी थी, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को रोका। कहा, प्लीज अंजलि, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चली जाओ। मैं उसी वक्त कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। सोचने लगी, यह मुझे क्या हो गया, राहुल मेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरा देवर है। कहानी राहुल की जुबानी। कॉलेज के पहले दिन सीनियर ने मुझे बुलाकर एक लड़की को किस करने को कहा था। मैं उस लड़की को देखता ही रह गया, पर उसे किस करने की हिम्मत मुझमें नहीं थी। तभी वह लड़की मेरे करीब आई, मेरे होठों को हल्का सा चूमा। मुझे एहसास हुआ मुझे और चाहिए। वह मेरी क्लास की लड़की थी, अंजलि। मैं उसे दूर भागने लगा क्योंकि वह एक नज़र भर मुझे देखती तो मेरा हाल खराब कर देती। हम अपने भाई के रिश्ते देखने आए थे और सामने जो लड़की आई उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंजलि, मैंने अपने भाई को समझाने की कोशिश की थी कि यह रिश्ता ठुकरा दे। अंजलि से भी बात की थी, पर यह लड़की मेरे भाई की पत्नी बन गई। मुझे हाथ लगाती तो मेरे पूरे जिस्म में आग लग जाती। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करता था, हमेशा चेहरे पर गुस्सा रखता ताकि वह मेरे जज्बात को समझ ना पाए। यह सोच सोच कर मुझे गुस्सा आता था कि मेरा भाई उसके साथ हर रात, वह दोनों दिन रात लगे रहते थे। उनके कमरे से आवाज आती, यह सुनकर मेरे सीने में आग लग जाती। भैया के जाने के बाद अंजलि को देखकर जाने मुझे क्या हो गया, मैंने उसके होंठों पर होंठ डाल दिए। वह दोबारा से मेरे कमरे में आ गई और मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। यह मेरी भाभी है, मेरी कभी नहीं हो सकती, पर मेरे अंदर ऐसी आग लगा दी, मैं कैसे जी पाऊंगा। मेरी समझ से बाहर था, क्यों मैं हमेशा जिसे चाहता हूँ वो मुझसे दूर हो जाती है, क्यों मैंने इसकी शादी होने से पहले नहीं रोका, क्यों अपने एहसास के बारे में किसी को कह नहीं पाया। मुझे इसे भगा कर ले जाना चाहिए था। यह क्या भूल कर बैठा मैं, यह जिंदगी भर का दर्द मैं कैसे झेल पाऊंगा। मुझे आगे बढ़ना होगा। आखिर यह कैसा एहसास है जो राहुल और अंजलि को एक दूसरे के करीब खींच रहा है। अंजलि की शादी एक ऐसे शख्स से हो गई जिससे वह प्यार नहीं करती और जिसके करीब रहना चाहती है वह उसका देवर है। क्या यूं दो दिल हमेशा के लिए जिंदगी भर तड़पते रहेंगे। क्या इन दोनों का कभी मिलन हो पाएगा या यह दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।